हेलो दोस्तों, का फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है जो रिक्वायरमेंट के लिए है, जो झारखंड सरकार की तरफ से निकाली गई है। इसमें जो वैकेंसी निकल गई है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकल के आई है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि ये जो साहेबगंज की तरफ से निकल के आई है, कौन डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई, कैसे इसको अप्लाई करना है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी डिटेल में दिया गया है हम लोग देखेंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिस है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए, हेडिंग पे लिखा हुआ है क्या, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय साहेबगंज, जिला समाज कल्याण शाखा। समाज कल्याण शाखा की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। विज्ञापन का संख्या भी दिया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं तो नीचे में हम लोग का टेबल मिल जाता है जो वैकेंसी से रिलेटेड दिया गया है, क्या क्या पोस्ट है। पोस्ट का नाम यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं, 9 तरह के पोस्ट दिए गए हैं। संरक्षण पदाधिकारी के लिए देखिए, देखरेख वाला यहाँ पे देखरेख वाला दिया गया है। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए हैं। विधि सा परिविधि अधिकारी दिया गया है, परामर्शदाता दिया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता दिया गया है, लेखापाल दिया गया है। इस तरह से इतने सारे वैकेंसी दिया गया है। ऑपरेटर वाले के लिए भी दिया गया है। देखिए सबका वैकेंसी की बात करें तो एक एक वैकेंसी ही मैक्सिमम दिया गया है। एक जो कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता है उसमें 2 वैकेंसी है, और नीचे सबसे लास्ट वाला दिया गया है कार्यकर्ता, इसका भी 2 वैकेंसी है। जो कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड किया गया है तो देख सकते हैं सारे के सारे अनारक्षित में तो वैकेंसी है ही है। बाकी जहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आई है उसमें से 1 अनारक्षित के लिए और 1 दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। सेम उसी तरह से निचला वाला में भी देखिए, 1 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति। बाकी जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, वो सबके लिए वैकेंसी नहीं है, हर जगह 0 दिया गया है। उसके बाद उसका नीचे आते हैं तो और एक टेबल मिलता है जिसमें से CWC के लिए आता है, JJB कार्यालय हेतु, इसमें जो वैकेंसी निकल के आती है। कंप्यूटर सहायक वाला के लिए जो दिया गया है, सहायक सा कंप्यूटर एंट्री डाटा एंट्री वाला के लिए 2 वैकेंसी तरह के पोस्ट हैं जिसमें से 1-1 वैकेंसी दिया गया है, और दोनों के दोनों ही जो 1-1 है वो जनरल के लिए ही दिया गया है, अनारक्षित के लिए ही दिया गया है। ये सब के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, सैलरी रेंज क्या होनी चाहिए, वो सबका डिटेल यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। जिसे दिया गया है पहला पद जो देख रेख वाला दिया गया है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान अथवा सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA होना चाहिए, PGDBA दिया गया है, PGBM दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए PGDRD अतिरिक्त योग्यता में ये सब मेंशन किए गए हैं। कार्य के अनुभव की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सैलरी हो जाता है 21,000। इसी तरह से दूसरा पोस्ट में हम लोग देखते हैं दूसरा पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसमें दिया गया है दूसरा पोस्ट वाले के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, ये सब में होना चाहिए, स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर MBA किए हुए हैं, PGDBA किए हुए हैं। सेम ऊपर में जिस तरह से क्वालिफिकेशन दिया गया उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। इसका भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 21,000 इसका भी सैलरी हो जाता है। तो इसी तरह से सारे पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी दे दिया गया है। लास्ट का यहाँ पे जो कार्यकर्ता दिया गया है, मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो 8,000 की सैलरी मिल जाएगी। अगला वाला जो दूसरा वाला टेबल बन के आता था, इस टेबल पे जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह दिया गया था और पोस्ट था सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 पोस्ट, वो सब के लिए क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, स्नातक कंप्लीट के साथ साथ कंप्यूटर दक्षता होना चाहिए, और साथ ही साथ टाइपिंग वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी हो अंग्रेजी हो दोनों ही होना चाहिए। दूसरा वाला जो पोस्ट आता रहा है उसमें भी इसी तरह से स्नातक मांगा गया है, कंप्यूटर मांगा गया है और टाइपिंग वगैरह मांगा गया है। और इसमें जो सरकारी संस्थान लोक उपकर्म, इसमें काम क्या होना चाहिए, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ दोनों ही में, तब सैलरी बन जाएगा 9,000 करके सैलरी मिल जाएगा। इसकी एज की बात करें तो 1 से 7 तक के लिए जो दिया गया है क्रमांक, 1 से 7 तक जो दिया गया है इसमें 30 से 45 होना चाहिए। उसके बाद 8 से 11 तक जो सीरियल नंबर दिया गया है उसमें 21 से 35 वर्ष होना चाहिए, 1/1/2019 के आधार से अगर कैलकुलेट करें तो। इसको अप्लाई करना पड़ेगा जो ऑफलाइन दिया गया है, विज्ञापन के साथ प्रकाशित विविध प्रपत्र में आवेदित
आवेदन देंगे। साथ ही लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र निलंबित डक से 13/2020 से लेकर 29/2020 तक संध्या 5 बजे तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सभीगंज कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। तो ऑफलाइन इसको करना पड़ेगा फिलअप, जो भी इसका फॉर्म मिलेगा उसके साथ में सारा डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना होगा। सारे डिटेल मिल जाएंगे साहिबगंज.nic.in, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी किया हूँ और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हम लोग चलते हैं नीचे, देखते हैं कहीं पे अगर फॉर्म दिया गया है। देखिए नीचे में फॉर्म भी दिया गया है, इसी फॉर्म पे भरना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये, इसको प्रिंट आउट करके निकाल के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अटैच करके भेजना होगा। तो यही रिक्वायरमेंट निकल के आई है। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।